इंदौर शहर में भी भू माफियाओं पर कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को देखते हुए भू माफियाओं से परेशान कई पीड़ित सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की अहिल्यापुरी में भी भू माफियाओं से ठगा है। ब्रह्मवासी संघ के लोगों द्वारा गुरुवार को एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान अहिल्यापुरी कॉलोनी के सेक्रेटरी गौरी शंकर लखोटिया ने बताया कि 369 सदस्यों की कॉलोनी में करीब 311 रजिस्ट्री वर्ष 2002 में हो चुकी थी, जिसमें 78 प्लॉट पर सिंप्लेक्स मेगा एंड फाइनेंस के एल सिटी के डायरेक्टर द्वारा करीब 5.5 एकड़ जमीन पर इच्छा से लोगों की डबल रजिस्ट्री करवा दी गई। अब रहवासियों की मांग है कि सरकार द्वारा रजिस्ट्री नामांतरण निरस्त किए जाए। अपनी मांग को लेकर सेक्रेटरी सहित कई लोग भोपाल स्थित सभी विभागों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि संभवतः नेता व मंत्रियों से इन कंपनी के मालिकों के अच्छे संबंधों के चलते उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रेस वार्ता के दौरान रहवासियों ने मांग की है कि उन्हें कमलनाथ सरकार द्वारा न्याय दिया जावे और आरोपियों पर कार्यवाही की जाए। 369 सदस्य है, इसमें कम से कम 311 रजिस्ट्री हो चुकी थी 2002 में, और ये 88 प्लॉट पर सिंप्लेक्स मेगा एंड फाइनेंस और के सिटी, ये दोनों कंपनियों ने 5.5 एकड़ की डबल रजिस्ट्री करवा ली थी, जिसमें हमारे 88 सदस्य पीड़ित हो रहे हैं। और वो 88 सदस्यों की वजह से हमें 369 की कॉलोनी क्लियर नहीं हो पा रही है। हम ये चाहते हैं कि इनकी रजिस्ट्री निरस्त की जाए और इनका नामांतरण भी निरस्त किया जाए, ताकि सदस्यों को इसके नियमितीकरण की कार्रवाई होकर प्लॉट मिल सके। और ये अभी तक की हमने इतने, हम भोपाल भी गए, यहाँ पर सब डिपार्टमेंट गए, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ भोपाल तक पहुँचाई जाए और यहाँ पर जितने भी प्रशासन में अधिकारी है उन सब तक हमारी आवाज़ सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जो भी हम ये नाम ले रहे हैं सिंप्लेक्स मेगा एंड सिटी के, ये हमें यही जानकारी मिल रही है कि ये सारे मिनिस्टर इनके दोस्त हैं, इनके सब मिले हुए हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, बाकी भू माफियों पर कार्रवाई की। नाम बता रहे हैं हम बोले हैं कि सिंप्लेक्स मेगा एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम है, जो भी उसके डायरेक्टर हैं, और उस समय उन पर ये आरोप लगा था कि उस समय ये डायरेक्टर नहीं था, इसलिए FIR नहीं हुई। तो उस समय 2007 में ये डायरेक्टर था, उसकी भी गवर्नमेंट का एक लेटर आया हुआ है कि उस समय डायरेक्टर था, और इस लाभार्थी को छोड़ दिया गया, बाकी लोगों के डायरेक्टरों पर FIR कर दी गई, लेकिन मुख्य आरोपी को छोड़ दिया। सीनियर सिटीजन, हमारे नाम से प्लॉट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है, नियमितीकरण की कार्यवाही नगर निगम द्वारा पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन बाद में डबल रजिस्ट्री होने के कारण वो भवन अनुज्ञा नहीं दी गई। प्लॉट पर आज भी अमीर लोगों का कब्जा है और हमारी रजिस्ट्रियां 2000 के पहले की हैं, जबकि दोबारा जो रजिस्ट्रियां की गई हैं वो 2007 में की गई हैं। तो हमको ये लगता है कि शासन और प्रशासन के द्वारा हमारे साथ जो है न्याय नहीं किया गया। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि एक ही जमीन की दोबारा रजिस्ट्री कर दी गई है। इसकी शिकायत पुलिस में हमने कई बार की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डबल रजिस्ट्रियां जिन कंपनियों के नाम की गई हैं उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये सब एक तरह का मकड़ जाल बना हुआ है, कॉलोनियों को उलझाना इन कंपनियों का, इन भूमाफिया लोगों का काम है। अब देखिए ऐसा है, मेरे ख्याल से तो आप भी जानते हैं, नहीं हम पर्टिकुलर नाम जो है इसमें प्रतीक संघ भी का है, और इंदौर शहर में मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि कौन कौन भू माफिया है। खाली मेरे बोल देने से कुछ होने वाला नहीं। ये मामला अयोध्यापुरी कॉलोनी का है जी, ये 2000 पहले से खरीदा है देवी अहिल्या कोऑपरेटिव सोसाइटी से। उस वक्त विमल लोहड़िया करता था। देखिए ऐसा है, जो सहकारी समिति है जो देवी अहिल्या, उसका जो करता धरता है वो लोग बदल गए, क्योंकि हर बार चुनाव होता है कोई ना कोई करता धरता बदल जाता है। तो दूसरे जो अध्यक्ष आए उन्होंने ये जमीन बेच दी, जो कि उनको बेचने का सहकारी समिति जो है सिर्फ अपने सदस्यों को प्लॉट बेच सकती है, लेकिन लैंड यूज भी जमीन किसको बेची दोबारा उन्होंने कंपनी को बेच दी। कंपनी का नाम क्या है? सिंप्लेक्स।